शहर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में तेज धूप तो सुबह शाम की ठंड, ऐसे में जरा सी लापरवाही बरतना आपको भारी पड़ सकता है। इस बदलते मौसम में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। ये बदलता मौसम कई बीमारियों को साथ लाता है और ऐसे में इन बीमारियों की चपेट में आने से बचाव के लिए आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही इस बदलते मौसम में सही खान पान न होने के कारण पेट और लीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं। इस बदलते मौसम में आप अपने पेट, लीवर और स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, इसको लेकर नया मुरादाबाद स्थित उजाला सिंगल ब्राइट स्टार हॉस्पिटल के पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित बंसल ने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस बदलते मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान दें और मौसम को लेकर एहतियात बरतें, बीमारियों से दूर रहेंगे। पेट में जकड़न और दर्द, आंतों में समस्या, पेट फूलना, एसिडिटी, पित्त की नली में पथरी, काला पीलिया, भूख ना लगना, खून की उल्टी, दस्त की समस्या, लीवर में सूजन, काली मल की समस्या आदि बीमारियों सहित खान पान ना होने के चलते लोगों को अपनी चपेट में बीमारियां ले रही हैं। इसलिए सही खान पान पर अति आवश्यकता है कि बल दिया जाए। तो वहीं इस बदलते मौसम में सावधानी बरतना भी जरूरी है। दिन में मौसम का मिजाज गर्म होने पर पंखा ना चलाएं, ठंडे पानी का सेवन ना करें, एकदम से गर्म कपड़े अभी से ना उतारें। उन्होंने आगे कहा कि इस बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित बंसल है। मैंने अपना MBBS KMC मणिपाल से किया है, फिर अपना PG मेडिसिन में किया है श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली से। उसके बाद मैंने मैक्स साकेत हॉस्पिटल नई दिल्ली से अपना DNB सुपर स्पेशलाइजेशन किया है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी में। और आप कब कहाँ पे सेवा दे रहे हैं? अभी मैं उजाला सिग्नल ब्राइट स्टार हॉस्पिटल मुरादाबाद में हूँ और यहाँ पे हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। सारी पेट, लिवर और पैंक्रियास संबंधित सारी समस्याओं का इलाज हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखा गया है डॉक्टर साहब, इस वक्त खान पान आदमी का ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाता है और सारी चीज़ें पेट से अनेक उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। रात को उसको नींद नहीं आ पाती, पेट में दर्द रहता है, लीवर में परेशानी, तो ऐसे में आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि आजकल के ज़माने में खान पान काफ़ी ख़राब हो गया है लोगों का। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बाहर का खाना खाना। तो जंक फूड, फ्राइड ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, मिर्च मसालेदार खाना, ये सारी चीज़ें पेट में जलन, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया करती हैं हमारे में। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आजकल अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग हो गया है। तो मेरी सलाह ये है कि अल्कोहल को पूरी तरीके से बंद कर दें, सिगरेट बिल्कुल ना स्मोक करा करें, क्योंकि ये कैंसर का भी एक विशेष कारण है और साथ में पेट में गैस्ट्राइटिस और अन्य समस्याएँ करता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि खान पान ठीक नहीं, ऐसा कुछ आपके सामने मरीज आया हो जो ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा हुई उन चीज़ों से? जी बिल्कुल, जब भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर लंबे समय से अल्कोहल सेवन कर रहे हैं तो उसमें लिवर को नुकसान पड़ता है, उसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, जिसके कारण पेट में पानी भर सकता है, खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं और लिवर पूरी तरीके से लिवर फेलियर में भी चला जाता है। तो आपके वहाँ ऐसे कुछ चीज़ आ जाए तो उसके लिए क्या इलाज की सुविधा? जी उसके लिए यहाँ पर हम उन्हें एडमिट करते हैं, उनके पेट से पानी निकालते हैं, एंडोस्कोपी द्वारा जो नसें फूली हुई होती हैं उन पे बैंडिंग करी जाती है, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है या फिर उन्हें गफियत होने लगती है तो उसका भी इलाज करा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जैसे आदमी सुबह उठता है तो उसको किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो छोटी मोटी बीमारियों से बच सकता है? तो सुबह उठते ही सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज डेली हमें करनी चाहिए 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, और उससे बॉडी में स्फूर्ति भी आती है और हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है, बनी रहती है। कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, शहद डाल के पीना चाहिए तो उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। जी इन सब की कोई साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है गर्म पानी पीने से, लेकिन हाँ कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में काफ़ी फ़ायदा होता है अगर वो गुनगुना पानी लेते हैं। जीरा डाल के ओवरनाइट पानी को भिगो के रख सकते हैं और फिर जीरे का पानी, सौंफ का पानी या किसी भी प्रकार से आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं खान पान को लेकर? तो मेरी सलाह यही है कि जब मौसम बदलता है, सर्दियां कम होती हैं, लोग का बाहर जाना पड़ता है, उसमें अपना कैलोरी कंट्रोल में रखें, बहुत ज़्यादा बाहर का फ्राइड और फैटी फूड ना खाएं और कोशिश करें कि पानी जो है वो बिल्कुल साफ पिएं, या तो अपने साथ मिनरल वाटर कैरी करें, घर का पानी उबला हुआ फिर ठंडा करके उसे पिए, और बाहर गंदा पानी ना पिएं।